गुड मॉर्निंग। कल न्यू वर्ड्स किए थे, आज भी करेंगे न्यू वाले वर्ड्स। आज दूसरे टू न्यू साउंड्स करेंगे। कौन से करेंगे? ऑर्डर और आउव। अभी ये आउव कैसे बनता है समझा। तो सबसे पहले ऑर्डर सीखते हैं। ओ का साउंड ओ और ड का साउंड ड, तो ओ ड। पता है आपको ऑर्डर से एक वर्ड में कौन सा करवाऊंगी आपको? किसको हम लोग ऐसे हैंड्स जॉइन करके प्रेयर करते हैं? गॉड को। तो ग ऑर्डर गॉड, ग ऑर्डर गॉड इज अ ऑर्डर वर्ड। और दूसरे साउंड्स कौन से होंगे? दूसरा साउंड कौन सा होगा? आउव। ओ का साउंड ओ और पीछे डब्ल्यू। डब्ल्यू का साउंड क्या होता है? व। तो आउव थोड़ा सा डिफरेंट है पर ऐसे ही बोला जाता है। क आउव काउ। तो ऑर्डर और आउव वर्ड्स कहाँ पे दिए गए हैं? दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 2020। कल जो पेज निकाला था ना वही आपको निकालना है। ऑर्डर वर्ड्स ये रहे और नीचे है आउव वर्ड्स। वो दोनों वर्ड्स रीड करेंगे, देन वी विल डू द रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्ड्स विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 4646। ऑर्डर की वर्ड्स है जो वर्कबुक नंबर 2 में उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल राइट द वर्ड्स इन द नोटबुक। कम ऑन स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 2020 ऑफ योर फोनिक प्राइमर रीडर, जहाँ पे कल हमने ऑटर और ऑक्सर वर्ड्स किए थे। आज हम लोग उसी पेज पे ऑर्डर एंड आवर वर्ड्स रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड ऑर्डर वर्ड्स। ऑर्डर कैसे बनता है? ओ और डी को ज्वाइन करके जो साउंड बनता है वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर में फर्स्ट वर्ड क्या है? क ऑर्डर कॉड। क ऑर्डर कॉड इज अ नेम ऑफ अ बिग फिश, अ लार्ज फिश, जो जनरली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, मिलती है वहां पे। क ऑर्डर कॉड इज अ लार्ज फिश। नेक्स्ट है ग ऑर्डर गॉड। अभी ग ऑर्डर गॉड तो सबको पता है। आप जब स्कूल आते हो तब मॉर्निंग में हम प्रे करते हैं, तो किसको प्रे करते हैं? गॉड को प्रे करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं हम लोग। फिर आप घर पे भी उठ के, मम्मा पहले से बोलती है ना, चलो भाई उठ गए तो पहले भगवान ना दर्शन करी लो सौती पहला। तो भगवान को क्या बोलते हैं? ग ऑर्डर गॉड। नेक्स्ट वर्ड है न ऑर्डर नॉर्ड। न ऑर्डर नॉर्ड। न ऑर्डर नॉर्ड मीन्स मूविंग योर हेड साइड बाय साइड। आपका हेड राइट साइड लेफ्ट साइड आप ऐसे घुमाते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? न ऑर्डर नॉर्ड। हमने जैसे ह अप हॉप किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था एक रायम, हॉप अ लिटल जंप अ लिटल, तो उसमें आ गया था हॉप अ लिटल जंप अ लिटल 1 2 3, रन अ लिटल स्किप अ लिटल टैप टैप वन नी, बेंड अ लिटल स्ट्रेच अ लिटल नॉड योर हेड, यॉन अ लिटल स्लिप अ लिटल इन योर बेड। तो इसमें क्या वर्ड आया? न ऑर्डर नॉड। फिर नेक्स्ट वर्ड है प ऑर्डर पॉड। प ऑर्डर पॉड। प ऑर्डर पॉड मीन्स क्या? ये क्या दिखाया है यहाँ पे? ये जो ग्रीन कलर का पूरा है, वो ग्रीन कलर के जो राउंड राउंड है वो क्या है? पीज है, बटाना। मम्मा जो भाजी पाव में पुलाव में डालती है ना, और ये पूरा पीस का कवर है, तो इसको क्या बोलते हैं? पी पॉड। इसको क्या बोलते हैं? प ऑर्डर पॉड। ये जो कवर होता है उसको पॉड बोलते हैं, और ये अंदर जो होते हैं वो जो दाने उसको बोलते हैं पीज।
नेक्स्ट इज र ऑर्डर रॉड, र ऑर्डर रॉड, रॉड इज लाइक अ स्टिक, डंडा जिसको बोलते हैं, पुलिस के पास होता है ना डंडा। फिर नेक्स्ट है स ऑर्डर सॉर्ड, स ऑर्डर सॉर्ड, स ऑर्डर सॉर्ड क्या है? स ऑर्डर सॉर्ड एक ऐसा लैंड है, ऐसा लैंड जहां पे ग्रास ग्रो होता है, दैट इज स ऑर्डर सॉर्ड। रिवाइज करते एक बार फिर से, क ऑर्डर कॉड अ लार्ज फिश, ग ऑर्डर गॉड भगवान, न ऑर्डर नॉड मूविंग योर हेड साइड बाय साइड, प ऑर्डर पॉड पी पॉड, र ऑर्डर रॉड स्टिक, एंड स ऑर्डर sod, a land where grass is grown. Okay, अभी next चलते हैं our words पे. O का sound क्या होता है? O, और W का sound क्या होता है? W. तो जब दोनों को join करेंगे तो उसका थोड़ा सा different होगा. O O का our हो जाएगा. O और W को mix करेंगे तभी क्या बन जाएगा? Our. First word है our में क आउ व काउ, क आउ व काउ, काउ मतलब क्या? काउ का मतलब गाय होता है। काउ गिव्स अस मिल्क ना, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, आपने किए हुए ना डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, तो क आउ व काउ। नेक्स्ट इज ह आउ व हाउ, ह आउ व हाउ, ह आउ व हाउ क्या है? आपको याद है मैंने आपको जब साइट वर्ड सिखाए थे तब मैंने थोड़े वर्ड सिखाए थे विच आर नोन एज द क्वेश्चन वर्ड्स, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं, तो ह आउ व हाउ इज वन ऑफ देम। हाउ मीन्स हम लोग इसे पूछते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो वहां पे मैंने क्या यूज किया? ह आउ हाउ, ह आउ हाउ माने कैसे। फिर नेक्स्ट वर्ड है न आउ व नाउ, न आउ व नाउ, न आउ व नाउ मीन्स अभी की अभी। I want this work to be done just now. माने मुझे ये काम अभी खत्म चाहिए, अभी होना चाहिए ये काम मुझे। Either तो मम्मा आपको बोलती है finish your homework just now, अभी की अभी आपका homework खत्म करो, तो वो होता है न आउ नाउ। रिवाइज करवाती हूँ, क आउ व काउ, ह आउ व हाउ, एंड न आउ व नाउ। आप जब भी ऐसे वर्ड सीखते हो ना मेरे साथ में, और आप घर पे बैठे हो, बड़े भैया या दीदी है या मम्मा पापा के साथ या किसी के साथ भी बात करते करते, यू शुड ट्राई दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस, तो आपको इसका मीनिंग ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। नाउ वी विल राइट दिस वर्ड्स इन द वर्कबुक। चलो वर्कबुक में कौन से वर्ड्स दिए गए? पेज नंबर 4646 पे ऑर्डर वर्ड्स दिए गए हैं, क ऑर्डर कॉड एंड र ऑर्डर रॉड। तो सबसे पहले हम लोग क ऑर्डर कॉड का ट्रेसिंग करेंगे, क ऑर्डर कॉड, नीचे एक बार लिखते हैं फिर एक और बार आप खुद लिख लेना, ठीक है? क ऑ ड कॉड, क ऑ ड कॉड इज अ लार्ज फिश, अ बिग फिश। नेक्स्ट वर्ड है र ऑ ड रॉड,
रॉड रॉड र आयरन रॉड होता है रॉड रॉड र ओ ड रॉड. नाउ वी विल राइट दिस वर्स विच वी डिड जस्ट नाउ इन द नोटबुक. चलो एवरीबॉडी टेक आउट योर नोटबुक. और अभी स्केल लेके लाइंस ड्रॉ कर दो. टू पेजेस पे लाइंस ड्रॉ करने हैं आपको. वन टू थ्री. वन पेज पे थ्री लाइंस ड्रॉ हो गई. अभी सेकेंड पेज पे ड्रॉ कर देते हैं. ओके सबसे पहले अभी कौन से वर्ड्स करेंगे. ऑड वर्ड्स करेंगे. तो यहाँ पे आपको हेडिंग देना है ऑड. और वर्ड्स का स्पेलिंग तो अभी आपको आ जाना चाहिए डब्ल्यू ओ आर डी एस ऑड वर्ड्स. ऑर्डर वर्ड में सबसे फर्स्ट वर्ड क्या था. विच वॉज द फर्स्ट वर्ड वी डिड. इट वॉज क ऑर्ड कॉड. क ओ ड कॉड. फिर से लिखते हैं नीचे क ऑर्ड कॉर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ग ऑर्ड गॉड. ग ओ ड गॉड. G O D God. फिर है moving your head side by side. क्या बोलते हैं उसको. N ORD NOD. N O D Nod. N O D Nod. फिर है नेक्स्ट ऑर्डर वर्ड है प ऑर्डर पॉड. मैंने अभी आपको बताया ना पी पॉड होता है बटाना. प ओ द पॉड. प ओ ड पॉड. अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट ऑर्डर वर्ड इज स्टिक या फिर डंडा. उसको क्या बोलते हैं. र ऑर्डर रॉड. R O D Rod. R O D Rod. और लास्ट ऑर्डर वर्ड है S O D Sword. S O
मैंने अभी क्या समझाया, और लैंड ऑन विच ग्रास ग्रो होता है. सो द सॉड. अभी कौन से वर्ड्स लिखेंगे, आवर वर्ड्स लिखेंगे. तो ऊपर आप हेडिंग दे सकते, हेडिंग दे दो ओ और फिर डब्ल्यू, आवर वर्ड्स. फर्स्ट आवर वर्ड है क आव काव, क आ व काव, क आव काव, क आव काव. फिर नेक्स्ट आव वर्ड है ह आव हाउ. हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल कैसे आते हो. हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से आता है, जैसे कोई वैन में आता है, किसी को मम्मा पापा छोड़ के जाते हैं, कोई ऑटो रिक्शा में आता है. तो मैंने अभी कैसे क्या बोला, हाउ ह आउ व हाउ, ह आव हाउ. और आव का लास्ट वर्ड है न आव नाउ. न आव नाउ मीन्स अभी, न आव नाउ यहीं पे नीचे लिख देंगे, 1 2 3 लाइन्स लीव करके नीचे लिख लो न आव नाउ. न आव व नाउ, न आव व नाउ. ओके, सो आज हमने सीखे नए 2 साउंड वर्ड्स ऑर्डर और आव. फोनिक प्राइमर रीडर में से रीड किए, फिर वर्कबुक में और नोटबुक में राइट किए. वर्कबुक में 1 टाइम लिखना बाकी है, वो आप खुद लिख लोगे, और नोटबुक में जो जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं वो सारे वर्ड्स आप स्टैंडिंग लाइन फॉर्मेट में ख़त्म करोगे. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय.